हाय केट्स। हाय सर। आज हम करने वाले हैं शॉपिंग। शॉपिंग मतलब खरीदना। खरीदना। अब देखो यहाँ पर एक पूरा ये स्टोर है सामान का, ठीक है। ये सारा स्टोर है सामान का, इसमें बहुत सारा सामान है, जैसे कुछ बॉलें हैं, कुछ लट्टू हैं, कुछ कार्स हैं, कुछ डॉल्स हैं, ठीक है। वैसे कुछ बिस्किट हैं, यहाँ पर लेमन जूस है, मिल्क है, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं यू कैन विजिट द सेल्फ सर्विस स्टोर। देखो सेल्फ सर्विस स्टोर का मतलब होता है कि जिस दुकान में हमको खुद ही सब कुछ करना होता है, मतलब सामान भी आपको खुद ही चुन के लाना है, वो सिर्फ आपसे लास्ट में क्या करेंगे, पैसे लेंगे। देखो विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। अब वो बोल रहे हैं कि आपको पेंसिल का यूज नहीं करना, पेपर का यूज नहीं करना, और आपको क्या बतानी है, इन सब के रेट्स बताने हैं। देखो वन बॉल एंड वन टॉय कार। अब देखो एक बॉल और एक टॉय कार, ये है टॉय कार और ये है बॉल, दोनों का रेट बताना है, कितना हो गया? 7 और 15। कितना हो गया 15 और 7 कितना होता है? 15 और 7 57। 15 और 7 ऐड करो, 15 में 7 जोड़ो, हाँ कितना? 22। वन नोटबुक एंड टू पेंसिल्स। एक नोटबुक देखो कितने की है, ये देखो ये लिखा है यहाँ पे 5 पर नोटबुक। एक नोटबुक 5 रुपए की है और टू पेंसिल्स कितने की आएंगी? अब देखो हाँ एक पेंसिल कितने की है 2.50, तो दो कितने की हो गई? 5 और 5 और 5 10। तो इसका मतलब ये दो कितने के हो गए? 10। टू बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। दो बनाना देखो कितने के आएंगे, एक बनाना है 1 रुपीज एंड 50 पैसे का, तो दो कितने के आएंगे बताओ? 1 2 2 2 और 1 3 3। तो 3 रुपए के तो बनानास हो गए और एक 1 ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास मिल्क कितने का है? 3 रुपीज एंड 50 पैसे का। तो ये हो गया तुम्हारा 3 रुपीज 50 पैसे का, तो हो गया आप। देखो 2 बनानास कितने के आए? 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखो 2 बनानास कितने के आए? देखो 1.50 और 1.50, तो कितने के आए वो? 3 के। और एक जो ग्लास था मिल्क का वो कितने का आया? 3 रुपीज एंड 50 पैसे का, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0 का 0 5 का 5 और 3 और 3 6। तो कितने का, कितने हो गए टोटली? 6 रुपीज एंड 50 पैसे। अब देखो 1 डॉल एंड अ बॉल। अब देखो एक डॉल कितने की आ रही है? 1 डॉल देखो 8 की, और बॉल कितने की आ रही है? 1 बॉल 7। तो बना बताओ 8 और 7 बताओ 8 और 7 15। वेरी गुड, कितना? 15। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स। अब देखो लेमन जूस कितने का आ रहा है? 1। ये देखो कितने का है ये? 3.00। इसका मतलब 3 रुपए का, ठीक है। 0.00 का मतलब होता है कि कुछ नहीं है उसके आगे, तो मतलब 3 रुपीज का आ रहा है लेमन जूस। और एक बिस्किट का पैकेट कितने का आ रहा? 4.50। हाँ 4.50। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, 3.00 और 4.50। बताओ कितना आएगा? 5 यहाँ पे 0 5 का 5 3 और 4 5 6 3 और 4 5 6 7 7। तो 7 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है, समझ आई? हाँ जी। अब देखो ऐसे ही आपको ये वाले भी करने हैं सारे। देखो फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, जिराफ, 1 कॉपी एंड अ ग्लास ऑफ लेमन जूस। इन सब के रेट्स यहाँ से देख के और आपको क्या करके लाने, ऐड करके लाने, ठीक है, कर लोगे? हाँ।